वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सके। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये है नया प्रोसेस माय फॉरएवर इंडिया ऐप में केवाईसी करने का। अब ये जो आपको साइन दिख रही है, ये फॉरएवर इंडिया ऐप का एक पहला स्टेप है। ठीक है, आपका जो भी सिग्नेचर है वो ऑलरेडी आपके पास है साइन स्कैन किया हुआ, तो वो आप अपने माय फॉरएवर इंडिया ऐप में उसको एक क्लियर स्कैनर ऐप में स्कैन करके आप उसे पीडीएफ फाइल कन्वर्ट कर लीजिए। 5 MB में होना चाहिए। जैसा ये मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ डेमो के लिए, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ डेमो है और डेमो के लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो। डेमो में मैंने ऐसा ही तरीके से बताया कि पहले आप क्लियर स्कैनर होना चाहिए आपके पास, वो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको क्लियर स्कैनर लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे क्लियर स्कैनर सबसे बेस्ट ऐप होता है कोई भी चीज़ स्कैन करने के लिए। क्लियर स्कैनर पे आप स्कैन कीजिए, ब्लैंक पेज में आप साइन कीजिए, क्योंकि आजकल का जो पैन कार्ड होता है उसमें EKYC होता है। EKYC में जो पैन कार्ड का सिग्नेचर होता है वो बारकोड में होता है, तो वो कंपनी को दिखाई नहीं देता, इसीलिए कंपनी सिग्नेचर मांगती है। तो आप जो भी साइन करोगे वही साइन फिर आपका एक माय फॉरएवर इंडिया ऐप में सबमिट हो जाएगा, फिर वो परमानेंट रहेगा। तो इसके लिए आपको EKYC करने के लिए आपको सिग्नेचर करना पड़ता है एक ब्लैंक पेज में। आप कोई भी लैंग्वेज में करो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, कोई भी लैंग्वेज में आपकी जो भी लैंग्वेज में साइन है उसे किसी भी लैंग्वेज में आप साइन करो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिग्नेचर होनी चाहिए। उसके बाद एक PDF फाइल कन्वर्ट बनाने के लिए क्लियर स्कैनर को डाउनलोड करके उसमें बनाइए। क्लियर स्कैनर डाउनलोड कीजिए, क्लियर स्कैनर गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलता है। उस पर आप उस पेज को स्कैन कीजिए साइन को, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्मॉलेस्ट, मीडियम, ऐसा। तब उसे स्मॉलेस्ट में कीजिए, क्योंकि 5 MB से नीचे 5 MB का होना चाहिए। 5 MB का ऊपर रहेगा तो वो रिजेक्ट कर देगी कंपनी। PDF फाइल सिर्फ 5 MB का होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। उसके बाद आपको ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर स्कैनर में साइज, फाइल साइज मेरा स्मॉल रखा 16 KB, स्मॉल रखा इसके लिए क्योंकि 5 MB के अंदर में आता है। और उसके बाद मैं इसके फाइल नेम दे दूंगा सिग्नेचर, ताकि ये मुझे अपलोड करने के टाइम मुझे पता चलना चाहिए कि साइन का PDF फाइल है। ऐसे ही आपको PDF फाइल बनाना पड़ेगा साइन का, फिर उसके बाद आप उसको सेव भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, कहीं पर भी आप सेव कर सकते हो। ऐसे सेव करने के बाद फिर आपको माय फॉरएवर इंडिया ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसे इंस्टॉल कीजिए, और ऑलरेडी है तो उसे ओपन कीजिए। मेरा है, मैं ओपन कर रहा हूँ, जिसका नहीं है तो वो अपना इंस्टॉल करके अपना इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद में इसमें फॉरएवर FPO लॉगिन आईडी जो होती है, वो लॉगिन अपनी आईडी नंबर 12 अंक की वो एंटर करो। उसके बाद में आपका पासवर्ड एंटर करो, जिसका पासवर्ड नहीं है फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करो, आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। और जिन्होंने नया साइन इन किया वहाँ पर भी ऑप्शन है क्रिएट योर पासवर्ड, वहाँ उनका पासवर्ड मिल जाएगा। आपको साइन इन करना पड़ेगा, उसमें आपका FPO आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो एंटर करना ज़रूरी है। पासवर्ड आपको पता ही रहेगा, एक बड़ा अक्षर, एक छोटा नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद आपको साइन इन करने के बाद वहाँ पे आपको ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा रेड कलर के ऑप्शन में, क्लिक द KYC अपलोड डिटेल्स। ठीक है, माय फॉरएवर इंडिया ऐप से ही आप KYC कर सकते हो, बाकी का और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए याद रखना, जब तक KYC कंप्लीट नहीं करोगे माय फॉरएवर इंडिया से कुछ नहीं बाय कर सकते हो। बाय कर भी लोगे तो आपको उसका बोनस चेक नहीं मिलेगा आपके अकाउंट में, कंपनी की नई पॉलिसी नहीं है पहले से ही। ये यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक कर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे देखिए एड्रेस बुक, एक स्कैन कॉपी का मतलब होता है आपकी साइन की स्कैन कॉपी विद PDF फाइल। एड्रेस कैसे आपको स्कैन करना है, राइट इमेज, रॉन्ग इमेज,
बड़ा में करना है आपको बड़े में, कलर जरा सा तब भी चलेगा, ब्लैक एंड वाइट अलाउड नहीं है, ब्लैक एंड वाइट आपको अलाउड नहीं, कलर में कीजिए, पैन कार्ड भी हो या आपका आधार कार्ड, दोनों कलर होना चाहिए, और फिर साइन तो ब्लैक हो ब्लू हो चलेगा, साइन भी चाहिए आपको, इसके लिए साइन के बारे में आपको बता दिया, और आपको नीचे ऑप्शन दिखा देगा, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, एज प्रूफ, पैन कार्ड, स्कैन कॉपी का मतलब आपका साइन स्कैन करके PDF फाइल बना के अपलोड करना, उसके बाद अपलोड करने के बाद इसे सबमिट करना, और सबमिट करने के बाद कंपनी इसको सबमिट करेगी और पेंडिंग अप्रूवल लगेगी, और ये 3-4 दिन लगता है इसे सबमिट होने में। सबमिट होने के बाद आपका एक बार KYC कंप्लीट हो जाएगा, आपको बार बार KYC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर परमानेंट, फिर आपको KYC अभी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप 1-3 दिन के बाद आप देख सकते हो को लॉगिन करके आपकी KYC कंप्लीट हुई या नहीं हुई, अगर हो गई है तो वेरीफाई दिखाएगा, नहीं हुई है तो बोलेगा वापस से आप अपलोड करो, अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है तो, हो गया तो वेरीफाई दिखाएगा वेरीफाई सक्सेसफुल, नहीं हुआ तो दिखाएगा सक्सेसफुल वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उसमें ऑप्शन दिखा देगा वो कि आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सबमिट नहीं हो पाया। इसके लिए जैसे वीडियो में है वैसे ही करोगे तो सही तरीके से आप KYC कर लोगे, एक भी मिस्टेक करोगे तो कंपनी आपका रिजेक्ट कर देगी। ये देखिए एप्लीकेशन स्कैन कॉपी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्नेचर की फाइल मैक्सिमम साइज 5 MB होनी चाहिए, जो जो अपना KYC कर रहा है उसी के सिग्नेचर, किसी और की नहीं।